प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से आप सबके सामने उपस्थित हूं एक जन्म कुंडली लेकर के। आशा करते हैं आप ये कार्यक्रम पूरा देखेंगे, बीच से ना जाइए। किसी भी अवस्था का बीच वाली जो स्थिति होती है वो थोड़ी कष्टकारी हो जाती है, बीच से ना जाइए, चाहे वो कोई भी जगह हो। सबसे पहले जन्म कुंडली अध्ययन के अंतर्गत आज जिस जन्म कुंडली का अध्ययन हम करने वाले हैं, उस जातक की आयु 2007, मतलब उसका जो जन्म हुआ है वो 2007 में है, और जातक के माता पिता इनके जन्म कुंडली के अध्ययन के अंतर्गत ये जानना चाहते हैं कि क्या मेरा बेटा धर्म शास्त्रों का अध्ययन करने वाला बनेगा, क्या वो संस्कृत शिक्षा का अध्ययन करने वाला होगा, धर्मज्ञ होगा, यही जानना चाहते हैं। आते हैं सबसे पहले इनके जन्म के पंचांग को देख लेते हैं। प्रिय दर्शकों, इनका जो जन्म हुआ है वो विक्रम संवत 2064 और शक संवत 1929 में हुआ है। जिस संवत्सर में इनका जन्म हुआ है उस संवत्सर का नाम शर्वरी संवत्सर है। शर्वरी संवत्सर में जन्मे जातक, कितनी अजीब स्थिति है अब देखिए ना। जातक के माता पिता ने पूछा है कि क्या मेरा बेटा धर्मज्ञ होगा, धर्म शास्त्रों का अध्ययन करने वाला होगा, और शर्वरी संवत्सर में जन्मे जातकों का जो स्वभाव होता है, जो उनकी प्रकृति होती है, वो धर्म शास्त्रों के अध्ययन करने वाली होती है, वो धर्म को मानने वाला होता है। और कहीं ना कहीं इनकी कुंडली में धर्म भाव के स्वामी भी मंगल हैं, जो जाकर के धन भाव पराक्रम भाव में बैठे हैं, और लग्नेश गुरु होते हैं जो धर्म के कारक होते हैं। क्या स्थिति है? शर्वरी संवत्सर अर्थात जातक धर्म में रत रहने वाला होगा, धर्म शास्त्रों का अध्ययन करने वाला होगा, और इसी क्षेत्र के अंतर्गत वो प्रतिष्ठित होता है, या धर्म शास्त्रों के अध्ययन करने के कारण ही वो समाज में प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। भाद्रपद मास में इनका जन्म हुआ है और शरद ऋतु में। भाद्रपद मास में जन्म होने के कारण जातक नव विचारों को प्रेषित करने वाला होता है, विचार को उद्गम करता है, नए विचारों को देने वाला होता है, और बगल वाले को उस विचार से पोषित करता है, यानी कि उससे प्रभावित भी करता है, उसका संरक्षण करता है, विचारों को सहेजने वाला होता है। और एक बात यहां आती है कि ये जो भाद्रपद मास है, भाद्रपद मास और शरद ऋतु में जन्मे जातक जो होते हैं वो थोड़े आलसी तो होते हैं, लेकिन कैसे हो जाते हैं कि ये अपने विचारों को प्रायः दूसरे तक प्रेषित करते हैं, भेजते हैं, लेकिन जैसे ही वो इसे नहीं मानता है तब वो इसे संभाल करके अपने लिए रख लेते हैं और अपने जीवन में उसको सुचारू रूप से शामिल करने का प्रयास करते हैं, या उसको फिर वो इंप्लीमेंट करते हैं। ये एक स्थिति इनकी बनती है। भाद्रपद मास में जन्म होने के कारण थोड़ी सी आलस्य भी होती है और जीवन का प्रारंभ थोड़ा स्थिरता के साथ विकास कर पाता है, स्थिरता रहती है, विकास की प्रक्रिया थोड़ी शिथिलता लिए होती है और प्रायः जल्दबाजी में विकास नहीं हो पाता है। एक बात और बता देता हूं, इनके जन्म का जो माह है मैंने बताया भाद्रपद मास और शरद ऋतु, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, शुक्ल पक्ष में जन्म होने के कारण वेदों का अध्ययन करने वाला होगा, शांत चित्त विचारों वाला होगा। इनका जो चंद्रमा है वो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का है, यानी कि कहीं ना कहीं इनको चंद्रमा का बल भी मिलने वाला है थोड़ा बहुत, और साथ ही साथ इनका जो जन्म हुआ है वो मंगलवार को हुआ है, तो मंगलवार के दिन जन्म होने के कारण थोड़े से टेढ़ी बुद्धि के होंगे। एक ऐसे जातक की कल्पना करिए और इनका जो जन्म हुआ है वो मंगलवार और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है, तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म होने के कारण मित्र बनाने वाले होंगे, मित्रों से युक्त रहने वाले होंगे, और मित्रों में इनको प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, समाज में प्रतिष्ठा के प्रतीक बनते हैं और समाज में हमेशा हर जगह इनको आदर और सत्कार मिलता है। मंगलवार के दिन जन्म होने के कारण ये थोड़े टेढ़ी बुद्धि के हो जाते हैं और झगड़ालू प्रवृत्ति के हो जाते हैं। एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करिए जो कमजोर भी है, शरीर से मजबूत नहीं होते हैं प्रायः, ये इनकी कुंडली में भी स्थिति ऐसी दिखती है कि ये थोड़े से पतले दुबले छरहरे बदन के होंगे, बहुत ज्यादा लंबाई नहीं होगी, आंख जो नेत्र हैं इनके वो भूरे हैं और नाशिका कटीली होती है, नुकीली होती है, गर्दन लंबी होती है, और सीने से संबंधित शिकायत, निमोनिया वगैरह की शिकायतें इनको प्रायः होती रहती है। ये चीजें हैं। इनकी जो राशि है वो सिंह राशि है और लग्न बनता है मीन लग्न, जल तत्वीय लग्न, द्विस्वाभाविक प्रवृत्ति स्त्री जाति का ये लग्न हो जाता है, और द्विस्वाभाविक लग्न हो जाने के कारण जातक का स्वभाव पुरुषोचित और स्त्रीयोचित दोनों हो जाता है। जातक रोना जानता है और कठोरता भी होती है,
स्वभाव ऐसा जो हर परिस्थिति में अपने आप को ठानने वाला होता है, हर परिस्थिति का सामना करने वाला होता है, ठनता है। अगर किसी के साथ इसकी ठनेगी भी तो हार नहीं मानने वाला हो जाता है, परस्पर जिद्दी स्वभाव का हो जाता है। अग्नि तत्वीय लग्न हो जाने के कारण कहीं ना कहीं क्रोधी स्वभाव का भी हो जाता है, और राशि सिंह हो जाने के कारण जातक का व्यक्तित्व कैसा हो जाता है, जातक का व्यक्तित्व हो जाएगा स्वतंत्र विचारधारा को पालन करने वाला। स्वतंत्र विचारधारा किसी के अंदर में रह करके काम ना करेगा, हमेशा स्वतंत्र विचारधारा को रखना चाहता है, अपने विचारों को सामने वाले को देना चाहता है, और परस्पर क्रोध की अधिकता होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं से देखें तो एक दृष्टि बुध की तो पड़ रही है और राहु इनके कुंडली के 12वें भाव में बैठा है, और साथ ही साथ सूर्य इनकी कुंडली में 6ठे भाव में बैठे हैं। इनका जन्म नागकरण में हुआ है, और नागकरण में जन्मे लोग थोड़े से चंचल नेत्र वाले होते हैं, इसलिए नेत्रों को थोड़ा स्थिर रखना जरूरी है, और कई बार ये जातक कामोत्तेजक भावना से प्रेरित हो जाता है। मनुष्य गण है इनका और क्षत्रिय वर्ण है, तो क्षत्रिय वर्ण हो जाना और लग्न कहीं ना कहीं अग्नि तत्वीय हो जाना, राशि भी अग्नि तत्वीय हो जाना, ये कहीं ना कहीं इस बात का लक्षित करता है, इस बात को दिखाता है कि जातक क्रोधी स्वभाव का होगा, और थोड़े से एक स्थिति ऐसी भी बनती है कि जातक थोड़ा मैला कुचैला रहने वाला होगा, तो सफाई का भी ख्याल बनता है इनकी कुंडली में। अब आते हैं प्रिय दर्शकों, इनकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थितियों को समझ लेते हैं एक बार, कि इनके जन्म के समय पे कौन से ग्रह किस प्रकार से बैठ करके किस प्रकार का फलादेश करा रहे थे। अब प्रिय दर्शकों आते हैं इनकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थितियों को समझ लेते हैं कि कौन से ग्रह कहां बैठ करके किस प्रकार का फलाफल करा रहे थे। सबसे पहले आपके जन्म के समय में जो ग्रह जहां बैठे हैं वो लग्न कुंडली में जीवन पर्यंत वहीं बैठे होते हैं। एक अलग दृष्टिकोण ये हो जाता है, या एक अलग विषय ये हो जाता है कि उनके अंशों में जैसे ही थोड़ा सा आमूल चूल परिवर्तन होता है, चलित कुंडली में उनके भावों में परिवर्तन हो जाता है। नवांश कुंडली मैंने इनका देखा है जिसमें गुरु की राशि बन रही है और वो गुरु वहीं बैठे हुए हैं। एक बात और बता देता हूं, चलित कुंडली में इनके किसी भी ग्रह में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि सारे ग्रह यथावत हैं लग्न कुंडली की भांति। अब आते हैं सबसे पहले लग्न को समझ लेते हैं। लग्न का मान 16 हंस 54 कला, रेवती नक्षत्र और बुध का यह नक्षत्र होता है, और वो बुध इस कुंडली में जाकर के सप्तम राशि में, सप्तम भाव में बैठे हैं, कन्या राशि में, जो कि मूल त्रिकोणस्थ होते हैं। कन्या राशि बुध की मूल त्रिकोणस्थ राशि होती है और वो लग्न को देख रहे हैं, यानी कि एक तरफ से इनके माता पिता का जो प्रथम सवाल है वो ये है कि जातक विद्या अध्ययन में धर्मशास्त्रों का अध्ययन करने वाला होगा या नहीं। तो प्रथम दृष्टया एक सवाल का जवाब यहाँ 100% में कह सकते हैं कि 40% मिल जाता है कि अगर लग्न को बुध देख रहा हो, अगर लग्न को बुध देख रहा हो और लग्न में बुध का नक्षत्र हो तो जातक वाणी से संबंधित व्यवसाय करने वाला हो जाता है, या वाणी से संबंधित अगर कोई व्यवसाय करे, शिक्षा देने का कार्य करे, या विद्या अध्ययन करने वाला कार्य करे, विद्या अध्ययन कराने वाला कार्य करे, तो जातक को उसमें सफलता मिलती है। दूसरी बात यह हो जाती है कि यहां पे बुध चूंकि कारक नहीं होते हैं, लेकिन बुध की राशि एक चतुर्थेश है और दूसरे सप्तमेश, और बुध वहां पे मूल त्रिकोणस्थ होकर के बैठा है, अच्छी बात हो जाती है। दूसरी बात बता देता हूं कि इनकी कुंडली में बुध कुमार अवस्था में है, यानी कि बुध का बलाबल बहुत मजबूत और श्रेष्ठता को दिखाने वाला है। साथ ही साथ लग्न में बुध के नक्षत्र का बनना ये बहुत अच्छी बात हो जाती है, और लग्न भी पूर्ण बली कहा जाएगा। कारण क्या है कि लग्नेश भी जाकर के कुंडली के 9वें भाव में बैठे हैं, वो देखिए मंगल की राशि में बैठे हैं, मंगल की राशि में बैठे होने के कारण और गुरु को कहीं ना कहीं 9वें भाव में कारकत्व भी प्राप्त होता है। और मीन राशि लग्न में बन जाने के कारण जातक की कुंडली में धर्मशास्त्रों का ज्ञाता बनने का योग भी बन जाता है। कारण कि मीन लग्न जो है वो कहीं ना कहीं से, मीन जो राशि है या लग्न कहें, ये राशि और ये लग्न गुरु से प्रभावित होती है, और गुरु साक्षात देव गुरु बृहस्पति, जिसके प्रतिनिधित्व देवता हैं जिनके, वो धर्म के द्योतक होते हैं, धर्म का कार्य कराने वाले होते हैं, और कहीं ना कहीं अगर 9वें भाव में बैठे हैं तो 9वां भाव धर्म का भाव होता है। इस वजह से लग्न पे बुध की दृष्टि
और लग्न लग्नेश जाकर के कुंडली के नवम भाव में बैठे हैं, ये बहुत ही अच्छी और श्रेष्ठता को दर्शाने वाला हो जाता है। आगे चल के अध्ययन करेंगे कि जो मैंने बताया कि लग्न पे बुध की दृष्टि पड़ जाने से जातक शिक्षा से संबंधित अगर कोई व्यवसाय करे तो 40% उसका निर्णय हाँ में जाता है। अब इसको 60% में कैसे बदलेंगे, कार्यक्रम के साथ में बने रहिए, जरूर बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं लग्न खाली है, लग्न को नेचर नहीं मिल रहा है, और लग्न बिल्कुल जब खाली हो जाता है तो जातक के व्यक्तित्व को निखर करके सामने लाने में थोड़ी सी परेशानी होती है। उसको जो पर्यावरण मिल रहा है वो कहीं ना कहीं राहु का मिल रहा है। हालांकि राहु यहाँ पे अच्छे फलों में बैठा, अच्छा फल देने वाला है, कारण कि वो शनि की राशि में बैठा है और शनि की राशि को वो अपनी राशि मानता है। युवा होकर के बैठा है राहु, जो एक इस लग्न का 12वां भाव यानी कि शनि की राशि बन रही है वहां पे, और वो शनि जाकर के कुंडली के कहां बैठे हैं, 6ठे भाव में, शत्रुहंता योग लगा करके, क्योंकि सूर्य की राशि में बैठे हैं, शत्रु की राशि में बैठे हैं, अति शत्रु की राशि में बैठे हैं, लेकिन सूर्य भी वहीं पे बैठा है, इस वजह से जातक शत्रुहंता हो जाता है। चर्चा करते हैं ये कि कुंडली के 3रे भाव में जहां मंगल बैठा है वृष राशि में, समता की राशि में बैठा है, और मंगल पराक्रम का कारक होता है, और यहां पे पराक्रमेश बनते हैं, शुक्र जाकर के कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हैं, यानी कि पराक्रम भाव का स्वामी कहां बैठा है, कुंडली के 6ठे भाव में, कुंडली के क्षमा करिएगा 5वें भाव में, और वहां पे बन रही है 4 नंबर की राशि अर्थात कर्क राशि, और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा जाकर के कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हैं। मैंने शुरू में बताया था कि जातक का स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रहता है, चंद्रमा का संबंध जब भी 6ठे भाव से बन जाता है तो जातक को सीने से संबंधित समस्या रहती है, निमोनिया वगैरह की समस्या रहती है। जातक कई बार अत्यंत तीव्रता से अपने पास के पर्यावरण से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है, स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर हो जाता है, और वैसे भी इनका चंद्रमा जो है वो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का है, तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी कि शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से लेकर के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के बीच का चंद्रमा अगर होता तो इनको चंद्रमा का पूर्ण बलाबल मिलता, लेकिन यहां पे शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि यानी कि प्रतिपदा हो जाने से जातक के चंद्रमा का बलाबल कमजोर हो रहा है, अर्थात जातक का स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रहेगा, मन परेशान रहेगा, और पूर्णिमा के नजदीक जाते जाते जातक का मन बिल्कुल विक्षिप्त और परेशान सा हो जाता है। मंगल की स्थिति, मंगल यहां पे पराक्रम भाव में बैठे हैं जहां का वो कारक होता है, तो मैंने बताया था कारको भाव नाश्यति, अर्थात जिस भाव का कारक अगर उसी भाव में बैठ जाता है तो उसके फल को कम कर देता है, और वैसे भी इस मंगल की चौथी दृष्टि कहां पड़ेगी, 1, 2, 3, 4 शत्रु के भाव पे, जहां से रोग का विचार किया जाता है, जहां से कंपटीशन का विचार किया जाता है, उस भाव पे मंगल की दृष्टि पड़ जाएगी और वो सूर्य की राशि को देखेगा, कहीं ना कहीं मित्र की राशि को देखेगा, तो जातक को प्रबल शत्रुहंता बना देगा। मंगल देखेगा शनि वहां बैठा है, सूर्य वहां बैठा है, सूर्य यहां पे स्वराशि का होकर के बैठा है, क्योंकि अंश वाइज उनकी जो स्थिति है वो 24 अंश 29 कला है, और यहां पे शनि बैठे हैं 7 अंश 9 कला, केतु बैठे हैं 13 अंश 9 कला के साथ, सूर्य 24 अंश 29 कला और चंद्रमा 24 अंश 53 कला के साथ। ये मघा नक्षत्र में शनि और केतु बैठे हैं, और साथ ही साथ सूर्य और चंद्रमा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं, और वो शुक्र बिल्कुल पंचम भाव में चंद्रमा की राशि में बैठा है, समराशि में बैठा है। इनकी कुंडली में कारक जो ग्रह होते हैं वो क्रमशः गुरु भी होते हैं, क्योंकि वो दो केंद्रों के स्वामी होते हैं, और लग्नेश हो जाने के कारण कहीं ना कहीं इनको केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा, कारण कि ये स्वयं लग्नेश हैं और केंद्र के दो घर परस्पर लग्न और दशम भाव मिला हुआ है, और वो जाकर के उन्होंने भाव भी बहुत अच्छा पकड़ा हुआ है कुंडली का, त्रिकोण भाव जिसे जहां पे आप 8 नंबर देख रहे हैं। इनकी कुंडली में अगर देख लेते हैं तो चौथा जहां पे 5 नंबर, जहां पे 4 नंबर लिखा है कर्क राशि, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा अपने राशि से बिल्कुल नजदीक जाकर के 6ठे भाव में बैठा है, और वहां पे शुक्र बैठे हैं। शुक्र इस कुंडली में कारक नहीं होते, क्योंकि उनको एक भाव मिला होता है कुंडली का पराक्रम भाव और दूसरा भाव कुंडली का अष्टम भाव, शुक्र यहां कारक नहीं होते हैं, लेकिन इस कुंडली में कारक होते हैं चंद्रमा, और दूसरा कारकत्व मंगल को प्राप्त होता है, और तीसरे जो कारकत्व ग्रह, कारकत्व को धारण करने वाले ग्रह हैं वो कहीं ना कहीं गुरु हो जाते हैं, उनकी चर्चा मैंने करी है। कारक ग्रहों की अगर बात करें तो मैंने चंद्रमा की बात करी, जातक के स्वास्थ्य को कमजोर करेगा, पक्ष का बल नहीं मिल रहा है, और कहीं ना कहीं इसकी जो स्थिति है वो सूर्य जैसे क्रूर ग्रह के साथ बैठा हुआ है, और सूर्य के साथ नजदीक चले जाने के कारण, साथ चले जाने के कारण चंद्रमा मन और माता का परिलक्षण कराता है, उसका द्योतक होता है और उसके स्वभावों को धारण करने वाला होता है,
इनकी कुंडली में माता भाव का स्वामी बुध जाकर के सप्तम भाव में बैठा है, और चंद्रमा अगर मन का कारक है और माता का कारक है, तो इन दोनों भावों का कारक होकर के, इन दोनों वस्तुओं का कारक होकर के वो जब छठे भाव से संबंध बना लेता है, तो इन दोनों चीजों से या इन चीजों में, इन क्षेत्रों में जो जो भी चंद्रमा जिस जिस चीज का कारक होता है उसे थोड़ी सी मजबूती नहीं देता और कमजोरी देने वाला हो जाता है। मंगल की चौथी दृष्टि यहां पड़ेगी, सातवीं दृष्टि मंगल की पड़ेगी भाग्य भाव पे, अपनी राशि को देखेगा, बहुत अच्छी बात हो जाती है। अगर मंगल की सातवीं दृष्टि कुंडली के नवम भाव पे पड़ेगी अपनी राशि पे और वहां गुरु बैठे हैं, तो जातक के कुंडली में भाग्य के उदय में थोड़ी सी समस्या देते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल क्रूर ग्रह है, और मंगल क्रूर ग्रह है, हालांकि एक पक्ष, एक बल मजबूत यहां होता दिख रहा है कि वो अपनी राशि को देखेगा, लेकिन नेचुरल जो प्रकृति है, जो उसकी वास्तविक प्रकृति है, वो क्रूर ग्रह के होने के कारण उसके भाव में थोड़ी सी कमजोरी लाएगा। हालांकि वहां पे गुरु बैठे हैं और वो उस भाव में कारक होते हैं, तो वहां पे कारको भाव नाश्यति होगी, वहां पे स्थिति कैसी बनेगी? एक तो मंगल जैसे क्रूर ग्रह की स्थिति दृष्टि बनेगी, हालांकि वो अपनी राशि को देख रहा है, लेकिन वहां गुरु बैठे हैं तो उस भाव को फ्लरिश करेंगे, लेकिन मंगल और कारको भाव नाशति के कारण उस भाव को थोड़ी सी कमजोरी देंगे। और यहां पे मंगल जब भाग्य भाव का स्वामी हो जाता है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से देखें तो स्थिति ऐसी बना देता है कि जीवन के प्रारंभ में ना कहकर 20 साल के बाद, 27 साल के बाद, 28वें साल में भाग्योदय कराता है। कभी कभी स्थिति ऐसी बन जाती है कि मंगल जैसे क्रूर ग्रह की दृष्टि पर जाने से पूर्ण भाग्योदय का बल नहीं मिल पाता है। आठवीं दृष्टि पड़ेगी कुंडली के करियर भाव पे, और वहां पे बन रही है गुरु की राशि, और गुरु अपने दशमेश होकर के जाकर के भाग्य भाव में बैठे हैं, यह अच्छी बात है। कर्म भाव का स्वामी जब भाग्य भाव से संबंध बना लेता है और जब वो लग्नेश भी हो जाता है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से देखें तो यह स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है। अब मैं यहां पे चर्चा कर रहा था प्रिय दर्शकों कि इनकी कुंडली में धर्मशास्त्रों का अध्ययन बनता है कि नहीं बनता है। बिल्कुल बनता है। सबसे पहले तो मैंने बताया कि बुद्ध की कहीं ना कहीं से दृष्टि यहां पे पड़ रही है, और वो गुरु जो इनकी कुंडली में भाग्य भाव में बैठे हैं और वो वहां के कारक होते हैं, मित्र की राशि में बैठे हैं, मंगल की राशि में बैठे हैं, और गुरु की अवस्था देखिए 17 अंश 50 कला ज्येष्ठा नक्षत्र बुद्ध के नक्षत्र को लेकर के बैठे हैं, और वो बुद्ध सप्तम भाव में बैठा है, और इस गुरु की कहीं ना कहीं से दृष्टि पांचवी दृष्टि पड़ रही है, 1, 2, 3, 4, 5 लग्न को देखेंगे गुरु, जातक को सभी चीजों को देने वाले बना देंगे और धर्मशास्त्रों का अध्ययन करने वाले बना देते हैं, धर्मज्ञ बना देंगे, धर्मशास्त्रों में रत रहने वाले बना देंगे, धर्म से संबंधित आचरण करने वाला हो जाएगा, धर्म से युक्त अगर कोई कार्य करे तो उसमें जातक को अत्यंत बहुत नजदीकी से सफलता मिलती है। गुरु यहां पे कुमार अवस्था को धारण करके बैठे हैं, मंगल यहां पे मैंने बताया कि किस तरह से उसकी स्थिति कैसी है, और गुरु जो कि इस कुंडली में सर्वोत्तम कारक होंगे, लग्नेश हैं, उनको दो भावों का बल मिल रहा है और वो जाकर के उन्होंने भाग्य के भाव को पकड़ा है, बहुत अच्छी स्थिति। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि किस प्रकार से जातक की कुंडली में विद्या अध्ययन जो कि संस्कृत क्षेत्र से हो या फिर वेद अध्ययन से हो, वो किस तरह से मजबूत हो रहा है। गुरु लग्न को देखेगा, बुध वाणी का कारक होता है और वो कहीं ना कहीं इस कुंडली में सुखेश और सप्तमेश होता है। सप्तम भाव जहां पे मूल त्रिकोणस्थ होता है, बुध कन्या राशि में बैठा है, वहां पे जाकर के लग्न को देख रहा है। इस वजह से अब एक बात बता देते हैं, मीन राशि जो होती है वो शुक्र की उच्च राशि होती है, हालांकि बुध जो यहां से देखेगा वो बुध कन्या राशि में उच्च का होता है और मीन राशि में नीच का हो जाता है। इस वजह से इसका थोड़ा सा प्रभाव मिलेगा जातक शक, मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि जातक अपने वाणी का 100% इस्तेमाल नहीं करता है, या कई बार शर्मीले स्वभाव का हो जाता है। वो क्यों होगा? क्योंकि सूर्य इनकी कुंडली में छठे भाव में बैठे हैं, हालांकि वो स्वराशि के हैं तो इसके अच्छे फल को देने वाले हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर सूर्य का भाव, सूर्य अगर छठे आठवें और बारहवें से संबंध बना लेता है, तो कहीं ना कहीं जातक को दब्बू स्वभाव का बना देता है, शर्मीला संकोची, और प्रायः अपने मन में उठ रहे उद्गारों को प्रायः सबके सामने न बताने वाला बना देता है। हड्डियों से संबंधित समस्या देने वाला हो जाता है, रक्त से संबंधित समस्या कई बार देने वाला हो जाता है, तो इस चीज का ख्याल रखना चाहिए एक बार जातक का। स्वास्थ्य का बिल्कुल बहुत ज्यादा ख्याल रखने की आवश्यकता है इस कुंडली में। जातक को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आजीवन होती रहती होंगी और होंगी, ऐसा इस कुंडली में दिख रहा है, क्योंकि चंद्रमा बिल्कुल सूर्य से नजदीक है, सूर्य छठे भाव में बैठा है और वो कहीं ना कहीं, हालांकि सूर्य और चंद्रमा को छठे आठवें और बारहवें भाव का दोष नहीं लगता है, लेकिन चूंकि वो भाव जो है वो कमजोर है, और सूर्य यहां पे किसी भी ग्रह को एक तरह से देखे तो शनि यहां बैठा है, तो वो स्थिति मजबूत करेंगे
लेकिन भाव का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है राशि की तुलना में। अगर कोई भी ग्रह अगर किसी खास भाव में बैठा है तो सबसे पहले उस पर जो प्रभाव पड़ता है वो उसके भावों का पड़ता है, न कि राशि का। राशि का प्रभाव किसी भी ग्रह के ऊपर द्वितीय स्थान पे देखा जाता है या फिर वो सेकेंडरी स्टेज में आता है। सेकेंड स्टेज में देखा जाता है कि ग्रह कौन सी राशि में बैठा है। सबसे पहले यह देखना होता है कि ग्रह ने भाव कौन सा पकड़ा है। तो यहां पे सूर्य ने छठे भाव को पकड़ा है, इस वजह से कई बार जातक को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां होंगी, और चंद्रमा भी चूंकि छठे भाव से संबंध बना लेता है तो कहीं ना कहीं ये अरिष्ट हो जाता है। और दो दो पापक ग्रह के साथ बैठा है, केतु बैठा है, सूर्य भी पापक ग्रह होता है, क्रूर ग्रह होता है शनि भी, तो इस वजह से जातक के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना आवश्यक है। जातक कम खाने वाला हो जाता है, भोजन कम, भूख कम लगती है, या कई बार जिद्दी स्वभाव का हो जाता है, हठीला हो जाता है, और दब्बी स्वभाव का भी हो जाता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि प्रायः इस लग्न में जो लोग जन्मे होते हैं उनके साथ अगर समाज बुरा बर्ताव भी करता है तो वो गांधी जी की तरह हो जाते हैं, एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने रख दो। इसलिए जातक के माता पिता को एक बात बताना चाहूंगा, आजीवन जब तक आप हैं अपने बड़े बेटे का सुरक्षा, बड़े बेटे की जो सुरक्षा है वो आपके ऊपर बन जाती है, सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो। क्योंकि जातक हो सकता है समाज में कई बार इसे दबाया जाए, अगर चाहते हैं कि ये मजबूत हो तो जातक को सूर्य की आराधना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कराइए प्रत्येक दिन, अभी से इसको आदत डलवाइए। इससे इसके आत्मविश्वास में मजबूती मिलेगी, संकोच की प्रवृत्ति को छोड़ेगा, वाणी के प्रभाव को विकसित करेगा, वाणी का प्रभाव बढ़ेगा। बुध जो कि वाणी और कहीं ना कहीं तीव्र बुद्धि का द्योतक होता है, बुध और गुरु ये दोनों बुद्धि के कारक माने जाते हैं। गुरु आध्यात्मिक ज्ञान के कारक होते हैं और बुध किसी भी चीज को जल्दी ग्रास्प करने के कारक होते हैं। अत्यंत तीव्रता के साथ किसी भी चीज को पकड़ लेना, उसको आत्मसात कर लेना, बुध इस चीज का कारक होता है। तो जातक बुद्धि से बहुत तीव्र है लेकिन दब्बू स्वभाव का है, चंचल नहीं है, स्थिर रहने वाला है और प्रायः गांधी जी की विचारधारा को धारण करने वाला है। इसलिए हमेशा सुरक्षात्मक प्रवृत्ति अपनाना होगा कि कोई इसे दबाए नहीं, इसके अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि करिए, क्योंकि सूर्य छठे स्थान में बैठा है और चंद्रमा इसका बड़ा कमजोर है। चंद्रमा है मन, अगर मन कमजोर हो जाएगा तो जातक कैसे किसी भी चीज का आनंद ले पाएगा, विक्षिप्त रहने वाला बना देता है कई बार। इसलिए आवश्यक है इनकी कुंडली में शिव जी की भी आराधना बनती है, हालांकि अभी की अवस्था के हिसाब से इनको सबसे ज्यादा, इनकी जो राशि है वो सिंह राशि है, तो सिंह राशि पे अभी समय ठीक ठाक चल रहा है। और एक बात बता देते हैं, हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ कराइए, हनुमान चालीसा का प्रतिदिन 3 बार पाठ कराइए या नित्य प्रतिदिन हनुमान जी का दर्शन करने को भेजिए। इनकी कुंडली में एक स्थिति ऐसी भी बनती है कि जातक अपने पिता से दूर रहेगा, क्योंकि पिता भाव का स्वामी चंद्रमा छठे भाव में बैठा है, तो छठा भाव यानी कि उस भाव में कमजोरी, तो पिता से दूर रहेगा। विद्या भाव का स्वामी, विद्या भाव का चंद्रमा स्वामी बनता है, वो छठे भाव में बैठा है, तो विद्या अध्ययन का कारण यहां पे इसलिए बन रहा है क्योंकि गुरु यहां पे बहुत अच्छी स्थिति में है, बुध बहुत अच्छी स्थिति में है और मंगल इनकी कुंडली में षडबल में सबसे बली होकर के बैठा है। बहुत अच्छी स्थिति है, कुंडली बहुत अच्छी है, घबराने की कोई बात नहीं है। सिर्फ सूर्य की आराधना कराइए, सूर्य की आराधना करने से जातक का आत्मविश्वास मजबूत हो जाएगा। संस्कार से युक्त बनाइए, जनेऊ संस्कार कराइए, जातक तेजस्वी हो जाएगा। और जब धर्मशास्त्र का अध्ययन कराना चाहते हैं, संस्कृत के क्षेत्र में भेजना चाहते हैं, संस्कृत पढ़ाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं शुरू से ही जातक के ऊपर इन चीजों का प्रभाव डालना आवश्यक हो जाता है। ऐसे तो सभी के ऊपर ये प्रभावित होना जरूरी है, अपने संस्कारों को जानना और अपने धर्मशास्त्रों का अध्ययन करना, लेकिन जब जातक का कैरियर ही जब इसी क्षेत्र में जाना हो तो निश्चित रूप से जातक को शुरू से ही संस्कार से युक्त बनाना आवश्यक हो जाता है। सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है, जरूरी जो बातें आती हैं कुंडली में, हनुमान चालीसा का नित्य 3 बार पाठ, हनुमान जी का दर्शन और सूर्य की आराधना। साथ ही साथ अगर थोड़ा सा जातक बड़ा हो जाता है तो इससे शिव जी को प्रत्येक दिन, प्रत्येक सोमवार को शिव जी के ऊपर जल अर्पित करने को कहिए। मंगल की दृष्टि मैंने बताई, अब बाकी गुरु की दृष्टि 5वीं सर्वोत्तम और सभी चीजों को देने वाली हो जाती है। 5वीं के बाद 7वीं दृष्टि यहां पड़ेगी तो जातक को पराक्रम करने वाली बना देगी, हालांकि मित्र दृष्टि नहीं देखेगा, शत्रु की दृष्टि से देखेगा तो जातक को आलस्य से युक्त भी बना देगा। 7वीं के बाद 8वीं और 9वीं दृष्टि, तो कहीं ना कहीं ये भाव बहुत मजबूत हो जाएगा, गुरु लग्न को देख रहे हैं,
पराक्रम को देख रहे हैं और कहीं ना कहीं ज्ञान भाव को देख रहे हैं। तो ज्ञान, पराक्रम और लग्न को देखने के कारण गुरु बहुत मजबूती से इस जातक को लाभ देने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल शत प्रतिशत देखता है। जातक ज्ञानी होगा, ज्ञान से युक्त होगा। और एक बात बता देते हैं, जातक का विवाह थोड़ा जल्दी की आयु में देखने को मिल रहा है कि जातक का विवाह थोड़ी जल्दी अवस्था में हो जाएगा, क्योंकि बुध वहां पे बैठा हुआ है मूल त्रिकोणस्थ होकर के। तो अगर स्थिति बनती है तो ये कुंडली के बाद की बात है। हालांकि अभी जातक की जो आयु है वो 2007 में इसका जन्म हुआ है, तो बहुत छोटी अवस्था है अभी। इस बारे में विचार अभी करना नामुनासिब होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कार्यक्रम का समापन करते हैं कुछ इसी तरह से। तब तक के लिए कल किसी और विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। आशा करते हैं आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। मुख्यतया मैंने इस कुंडली का अध्ययन सिर्फ इसलिए किया था कि जातक के कैरियर के भाव को स्पष्टतया देखा जा सके। गुरु यहां के स्वामी भाग्य को बल दे रहे हैं, यहां भाव के स्वामी चंद्रमा जाकर के यहां बैठे हैं, इसलिए मैंने शिव जी की आराधना करने को कही। गुरु की दृष्टि इस भाव के क्षतिपूर्ति को करने में सहायक सिद्ध होगी। तब तक के लिए नमस्कार।